हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम इंडिया वार। जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2022 का एग्ज़ाम कराने की तैयारियों में है। तो साथियों, इसके अंतर्गत आपकी भर्ती में एक ट्राई ब्रेकिंग फार्मूला ये लोग यूज़ करते हैं। तो क्या है ट्राई ब्रेकिंग फार्मूला? जिसके तहत दो जो समान कैंडिडेट हैं उनके नंबर तो बराबर होते हैं, पर उनमें एक का चयन कर लिया जाता है। तो साथियों, ट्राई ब्रेकिंग फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी को जानना चाहिए। तो चलिए, आपको सीधे हम इस रोमांचक नियम की ओर लेकर चलते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेती है। तो साथियों, लेखपाल के 8085 पदों पर होने वाली भर्ती में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। ऐसे में अगर इस भर्ती में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स समान हो जाए, यानी इक्वल नंबर आ जाए साथियों, तो किसी एक अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी एक विशेष फार्मूला लगा सकती है। दरअसल आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी की अन्य बातों के समान होने की स्थिति में, यानी उनके नंबर अंबर सब बराबर हों, तो उस स्थिति को वरीयता दी जाएगी जिसके पास प्रादेशिक सेना में 2 साल करने का अनुभव हो या जिसके पास NCC का बी लेवल का सर्टिफिकेट हो। इस पैटर्न पर साथियों, आपकी परीक्षा की बात करा दें तो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा है वो किस पैटर्न पर होगी? उत्तर प्रदेश लेखपाल की 8085 पदों पर होने वाली भर्ती में अभ्यर्थी से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक अंक का एक क्वेश्चन होगा। और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा में आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ और ग्राम समाज और विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है साथियों, और 1/4, यानी अगर आपने 4 गलत क्वेश्चन कर दिए तो आपका 1 सही कट जाएगा। वहीं पर साथियों, आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपके 8085 पदों पर आपकी एग्ज़ाम आई थी, जिसमें आपका पिट के बाद सीधा ये पिट से लिए गए हैं और सीधे आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो साथियों, आशा करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी। और ट्राई ब्रेकिंग फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ समान हो जाए, किसी दो अभ्यर्थियों का, यानी उनका डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल है, उनके नंबर भी बराबर हैं, तो फिर इस क्रम में क्या किया जाएगा? अब पहली बात तो अगर उनकी एज अगर ज़्यादा बड़ा वाला कोई है तो उसकी एज जो ज़्यादा उम्र का है उसको लिया जाएगा। अगर उनकी एज भी बराबर हो तो फिर क्या होगा? तो उसमें किया जाएगा साथियों कि प्रादेशिक सेना में 2 साल का काम करने का अनुभव हो जिसके पास, या तो जिसके पास NCC का बी लेवल का सर्टिफिकेट हो। तो ये साथियों ट्राई ब्रेकिंग फार्मूला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं आप सभी लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार काम की खबरें जानने के लिए अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।